मुजफ्फरनगर दंगा 2013 के मामले में केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बलियान और बीजेपी के कई नेता कोर्ट में पेश हुए। 31 अगस्त 2013 में थाना यहाँ पर सिखेड़ा क्षेत्र में नंगाला मंदौर में यहाँ पर महापंचायत में धारा 144 का उल्लंघन भाषण देने को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान बिजनौर से सांसद कुवार और यहां पर भतेरिया वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना मंत्री सुरेश राणा विधायक उमेश मलिक संगीता ओम सहित 14 लोग के खिलाफ ही कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चार जो नंगदम मदौड़ में हुई थी उस समय एक मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा फर्जी था लेकिन हिंदुस्तान में मुकदमे थोड़े ज़्यादा समय लगते हैं। 2013 का मुकदमा है, अभी तक तारीख ही लग रही है। पहले इलाहाबाद शिफ्ट हो गया था यहाँ से, अब दोबारा स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में बनाई गई थी। सब विधायक और सांसदों के मुकदमे वहाँ थे, अब ये दोबारा मुजफ्फरनगर कोर्ट में मुकदमा आया है। तो उसमें तारीख थी, अभी तो हाजिरी चल रही है। देखिए 6 और 7 साल हो चुके करीब, अभी आगे मुकदमा ख़त्म हो, फर्जी मुकदमा है। क्या कर रहा यार? तो इससे ये होता है कि एक कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति, चलो हम तो सांसद हैं, मंत्री हैं, आ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव से लगातार तारीख उपाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकदमों को देख के अंदाजा जरूर होता है कि देश में मुकदमों की स्थिति है क्या। मंत्री जी, उन दिनों हुआ क्या था जब ये पंचायत हुई थी, पंचायत किस लिए रखी गई थी? देखिए, सचिन और गौरव की हत्या के बाद जो अपराधी पकड़े गए थे कवाल में, उन्हें छोड़ दिया गया था उसी दिन। उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार के दबाव में SSP और DM का तबादला किया गया, तो उसके विरोध में पंचायत हुई थी 31 तारीख को कि कम से कम जो हत्यारे हैं या जिन लोगों ने उस समय हालात की, उन्हें की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसी पहली पंचायत की 31 तारीख की पंचायत में वहाँ तक मुकदमा दर्ज किया गया था भाषण देने का, जबकि उस पंचायत में बारिश हो रही थी, ना कोई माइक था, लोग इकट्ठा जरूर थे, हम भी मौजूद थे, करीब 50,000 लोग थे, लेकिन भाषण कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मुकदमा भाषण देने का दर्ज करवाया गया था कि भाषण दिया गया। अगली पंचायत से पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, दूसरी पंचायत में तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन पहली पंचायत में कोई भाषणबाजी नहीं, लेकिन मुकदमा हम 7 साल से आज तक उस मुकदमे को झेल रहे हैं। जो कह सकते हैं कि जो अपराध किसी ने किया नहीं, वो 7 साल से अदालतों के चक्कर काट। मंत्री जी, दूसरों के मुकदमे खत्म हो रहे हैं उसी बवाल के, दंगे के, लेकिन अपने मुकदमे क्यों खत्म नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों से? देखिए, मेरा एक स्पष्ट मानना था कि जब सब मुकदमे खत्म हो जाएं, जो आम लोग हैं, जो गांव से लगातार यहाँ आते हैं, एक आम व्यक्ति के लिए तहसील कचहरी में आना, अपनी हाजिरी लगाना 500 रुपये का काम है, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा स्पष्ट मत था कि आम लोगों के मुकदमे खत्म होने चाहिए। राजनीतिक लोग अगर अपने मुकदमे खत्म करवाएंगे तो जनता के मन में ये बात आएगी कहीं ना कहीं कि नहीं भाई, अपने मुकदमे खत्म करवा लिए और आम जनता के नहीं। तो कुछ मुकदमे वापस हुए हैं, जब सब मुकदमे समाप्त हो जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि, कम से कम मेरा एक स्पष्ट मानना है कि राजनीतिज्ञों को अपने मुकदमे वापस नहीं करवाने चाहिए। क्या लगता है आपको कि मुकदमे खत्म होंगे या लंबे चलेंगे? देखिए, आज जज साहब नहीं थे, नहीं तो मैं निवेदन करता कि इस मुकदमे को जल्दी जल्दी इसका फैसला हो, जो भी हो, एक तरफ से जल्दी जल्दी फर्जी मुकदमा है तो फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन